तो सगाई से अपने पास ये दो साउंड आए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, बाकी मैं इसको शूट कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी बस मतलब ओके। सो ये जेब्रोनिक्स के स्पीकर्स आए हुए हैं जो कि न्यू पैकिंग के साथ आए हैं। मैंने टू पीसेस स्पीकर्स बुलवाए हुए थे। पहले जो अपन ने किए थे इसी टाइप के किए थे अपडेटिंग, बट उसमें इस टाइप का था कि येलो कलर में था और वाइट कलर में बैकग्राउंड अवेलेबल था, ठीक है। और अमेजोन से आया हुआ है, बाकी इसकी स्लिप में बातें बताऊँगा भाई, और मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दे दिया है, आप उधर से इसको बाय कर सकते हो। जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं दोनों चीज़ों को। ठीक, तो ये दो पीसेस इसलिए बुलवाए हुए थे कि वर्किंग एंड यूजेबल रह सकते थे, बाकी पैकिंग और कुछ नहीं आया हुआ है अमेजोन की। एक ये आपका बिल आया हुआ है और ये पैकिंग्स वगैरह आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, आप उधर से इसको बाय कर सकते हो। तो ये मैं शूट कर रहा हूँ बाकी हैंड कैमरे से, और इसको अपन नॉर्मली मैं हैंड कैमरे से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि पता चले आपको कि जो कहीं भी मूव करना पड़ता है तो अच्छे से पता सकते हैं पास करके जूमिंग करके, इसलिए मैं हैंड से ही कर रहा हूँ शूट बाकी, है ना। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहले तो ये जेब्रोनिक्स के दोनों मॉडल आए हैं, सेम मॉडल मैंने दो पीसेस बुलाए हुए थे जिससे कि अपने यूज़ करने के लिए पर्सनली, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं इस बार कैसा है। पहले जो बुलवाए थे इसमें येलो पैकिंग थी और वाइट कलर का था, वो भी अच्छा मॉडल था। ये मॉडल पहले का अच्छा लगा था तो मेरे फ्रेंड ने ले लिया था, ठीक है। तो इस बार वर्जन 2.0 स्पीकर जेब फ्लेम का आया है, जो कि ये पैकिंग चेंज हो गई है इसकी जेब्रोनिक्स की। बाकी अब जेब्रोनिक्स की पहले पैकिंग अलग थी, अब जेब स्टार जेब्रोनिक्स की जो अपन ने LED लाइट बनाई हुई थी मॉनिटर की, वो भी अब जेब स्टार के नाम से आने लगी, ठीक है। तो कोई भी एक अपन को इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और सबसे पहले बैक में देख लेते हैं बैक में क्या दिया है। स्पेसिफिकेशन 5 वॉट के दिए हैं, 5 वॉट की चार्जर से चल जाएगा। लाइन पिन पोर्ट दिया है 3.5 mm, एंड डायमेंशन साइज 8x65 × 11 cm, और पैकेज डायमेंशन ये 18.3 cm और 41 cm दिया है, ठीक। तो जेब्रोनिक्स एंड सीरियल नंबर वगैरह दिया है, तो बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, आप उधर से इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा कंप्यूटर लॉक कर देता हूँ। ओके चलिए भाई जल्दी से करते हैं इसको रूम अनबॉक्सिंग के साथ ही साथ, है ना, और देखते हैं कैसा है। बाकी पहले मैंने इसकी वीडियो बना चुका हूँ जेब्रोनिक्स की, और साउंड की अनबॉक्सिंग एंड टेस्टिंग की भी, साउंड वगैरह कैसी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने रिटर्न रिपीट फिर से बाय कर दिया है, क्योंकि इसके दो पीसेस इसलिए बुलाए कि एक अपने फ्रेंड को चाहिए था और एक अपने पर्सनली यूज़ करने के लिए मैंने ले लिया, ठीक। ओके चलो जल्दी से जल्दी निकालते हैं। ओके ठीक है, ये देखिए। तो दोनों पीसेस की अनबॉक्सिंग में आपने यूनिक देखी होगी, क्योंकि कोई जो भी अनबॉक्सिंग करते हैं सभी एक ही पीसेस के अनबॉक्सिंग भी करते हैं, दोनों पीसेस के अनबॉक्सिंग बहुत ही कम करते होंगे, वीडियो में यूट्यूब पे देखा होगा। बाकी मैंने दो पीस लाए हुए थे तो मैंने कहा दोनों पीसेस के अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जिससे कि पता चल जाएगा, ठीक। चलिए ये तो हो गया जेब्रोनिक्स एंड जेब्रोनिक्स की लुकिंग वाइज देख पा रहे होंगे आप, जेब्रोनिक्स ब्रांडिंग दिया है और पीछे वेस भी दिया है, बॉडी भी अच्छी लग रही है, जेब फ्लेम मॉडल का दिया गया है। ओके और आपका जो सीरियल नंबर दिया है 2.0 स्पीकर दिया है, जो कि USB पोर्ट से ये चलेगा, ठीक। और इधर से ये भी दिया है राइट लेफ्ट साइड, और इसके इनपुट्स की बात कर लिया जाए तो ये इससे USB पावर दी जाएगी और इससे आपको
तो ऑक्स कनेक्शन रहेगा जो कि आप अपने मोबाइल्स एंड पीसी में इनपुट्स लगाकर अपने इसको आउटपुट दे सकते हैं साउंड को, ठीक है। और इसके साथ ही साथ आपको ये कंट्रोलर मिलता है जिससे कि आप इसको वर्किंग कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब इसके बाद जो भाई मुझे एक और है जो वो भी सेम ही निकलेगा, इसको जल्दी से जल्दी वो स्किप कर देते हैं क्योंकि मैं बोलूँगा जल्दी से जल्दी निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सो ये गाइस ये भी सेम मॉडल है उसी का, बस इसमें अपन ने अनबॉक्सिंग कर लिया है और जिससे कि यूएसबी पावर और ऑक्स दिया इनपुट मोबाइल से एंड पीसी में लगा सकते हैं आप इसको। और इसी के साथ साथ ये दिया है आपका वॉल्यूम कंट्रोलर जो कि अच्छा रहेगा, इससे हम ज़्यादा कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मैंने इतनी वीडियोस अनबॉक्सिंग की बना दी है, अब इसके बाद अपन देख लेते हैं अगर चेकिंग का हो पाता है तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट गाइस, सो गाइस अपन चलते हैं, मैंने मोबाइल लिया है, ओल्ड मोबाइल है मेरे पास वही, तो इसको अपन पावर देंगे और इसके बाद इधर से अपन इसको चलाएँगे, ठीक। तो पावर देने के लिए तो सबसे पहले मैं इसको आउटपुट कर देता हूँ, एक मिनट। मैंने इसको पावर दे दिया है इस एडाप्टर से जिससे कि आपको चल जाएगा ये, ठीक है। और बस सब कुछ फिक्रा पड़ा है ना, और इसको ओपन करते हैं मोबाइल्स की केबल्स कनेक्ट, ये अपनी वीडियो चल रही है बाकी है ना, ये देखो चालू हो गया होगा। ग्राफिक्स की बात की जाए तो इसके 1250 मेगाहर्ट्ज़ के फिर कैसे मेगाहर्ट्ज़ की रहेगी इसकी, तो सही है मॉडल रहेगा बाकी, ठीक है सही चल रहा है। 8 के ग्राफिक्स से आप इसका यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और अपन और भी चीज़ें देख सकते हैं इसकी, परफॉर्मेंस मिलेगी। अब ग्राफिक्स कोड अब मैंने बता दिया था 80 कोड रहेंगे, फ्यूचर की डिस्प्ले जैसे HDMI की वजह से सपोर्टेड, ठीक है। मतलब इसमें प्रोसेसर में 80 मैंने बताया ये अपनी वीडियो के बारे में है बाकी, एक मिनट ही कट हो रहा है थोड़ा, और खोल देता हूँ अभी की वीडियो जिससे कि थोड़ा लेटेस्ट वीडियो में अच्छे से पता चल पाएगा। ये आवाज़ आ रही है क्योंकि अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है, आ रहा आ रहा। अब इधर से वॉल्यूम कम क्यों लग रही है मुझे, इधर से तेज करना पड़ेगा कंट्रोलर से, ठीक है। करो प्रेस किया ऑन कर दिया, इसको एडिट करो प्रेस किया तो वॉल्यूम में भी टाइम लग जाता है इसलिए है ना। और देखते रहा करो बाकी, ये तो अपन अपनी गाइड वीडियो ही चला के बता रहे हैं कि साउंड क्वालिटी अच्छी लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस वगैरह भी अच्छा लगा, पहले भी मैंने बनाई हुई थी इस पर जेब्रोनिक्स की वीडियोस, जेब्रोनिक्स जेब 2.0 क्लेम पे जो कि स्पीकर पे टू इसको अनबॉक्सिंग किया था और साउंड क्वालिटी भी पर बेस भी देखा था, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो अभी भी वैसी क्वालिटी है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ है क्वालिटी एंड बिल्ड में, अच्छी क्वालिटी है बाकी। तो बजने बेस दो 5 मिनट भी नहीं देखते हैं, 5 से 10 मिनट ही देख लिया करो जिससे कि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, है ना। सुबह के दोनों साउंड चल रहा है करना और चैनल और इसी तरह ये भी साउंड है तो ये भी सही चलेंगे, है ना। स्ट्रीमिंग में आशा करता हूँ लाइव। सो गाइस अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में ही, और इसको रख देते हैं अपन अभी, और
वीडियो बस पर रही गाइस, बाकी थोड़ी सी बड़ी हो गई होगी बट इन्फॉर्मेशन अच्छी रही। दोनों साउंड को इस बार अपन ने साउंड को अनबॉक्सिंग किया और फिर उसके बाद एक और साउंड है तो मुझे लग रहा है तो उसको भी अपन चेक कर लेते हैं एक मिनट रुका। ये भी सही चलेगा क्योंकि उसका कोई फॉल्ट नहीं रहता है, अमेजोन से आया है तो कोई कोई कंपनी में हो जाता है वही डिफॉल्ट। बाकी दोनों वर्किंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो इसको थोड़ा निकाल देते हैं। ओके चलिए अब इसको भी पावर अपन लगा देंगे, इसका पावर अपन इसमें लगा देते हैं। ओके और इधर से इस वाले का यूएसबी ले लेंगे ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब मुझे ये एक चीज़ डाउट हो गया क्लियर कि अपन दोनों साउंड की वीडियो बना तो ली है और बहुत सारा हो जाता है, सेटअप जमाना पड़ता है, मैंने सेटअप नहीं जमाया हुआ था इसलिए इतना दिक्कत हो गया, नहीं तो अभी तक इतना नहीं होता ठीक है। चलिए मैं जल्दी से इसको ऑन कर देता हूँ। स्ट्रीमिंग में आता रहता हूँ तो लाइव स्ट्रीम में भी देखते रहा करो ठीक है। केबल ये अपनी केबल आई हुई है अमेजोन की, जो इसकी केबल अपन ने अच्छे से लगा दिया पोर्ट, जिससे कि अच्छी सी स्पीकर बढ़ने लगे क्योंकि अपन ने पहले अच्छे से कनेक्ट नहीं किया हुआ था इसलिए पावर पोर्ट अच्छे से कनेक्ट होकर बज नहीं रहे थे, ये स्पीकर चल नहीं रहे थे ठीक है। सो गाइस अपन देख लेते हैं, देख लो आप लोग वैसे वॉल्यूम भी बहुत ही हाईएस्ट प्राइस में चल रही है 800-900 के समथिंग, तो मैंने कहा इसको बुलवाएंगे जरा देखें तो इसमें कैसा है ना और पता चल पाएगा ठीक है। और देखते हैं तो एच डी पी टू एच डी एम आई केबल है, तो पहले अपन ने जो केबल ली थी वो रेंज कंपनी की थी DP2 HDMI, जो कि अपन ने डुअल मॉनिटर सेटअप कंप्लीट किया था तो अच्छा लग रहा है, वीडियो को भी देख लेना जिससे कि आपको कंटिन्यूसली अच्छे से और पता चल जाए कि मैंने DP2 कनेक्शन बताया था ठीक है। तो इस बार अपन दूसरे CPU को कनेक्ट करके डिस्प्ले लेंगे, इसकी मॉनिटर भी चेक करेंगे कि अपनी क्वालिटी वगैरह केबल और देखेंगे ना। तो गाइस ठीक है, बाकी क्वालिटी सही है और अपन का ये साउंड भी सही चल रहा है और जिससे कि पता चल पा रहा है ना। बाकी मेरे अपने मोबाइल में बैटरी नहीं है इसलिए ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं हो पाई है, बाकी ब्राइटनेस और हो जाती तो और अच्छे से चल पाता ये है ना। तो एडवर्टाइज वगैरह आ रहा है इसको कर देते हैं कट। तो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो न्यू वीडियो के साथ ही, और आप लोग देखते रहा करो वीडियो, जितनी भी वीडियोज़ मैंने डाली हुई हैं वो सब देखते रहा करो, अच्छी वीडियोज़ हैं। और बाकी अपन न्यू से न्यू वीडियोज़ और लेकर आएंगे पीसी वगैरह की CPU की है ना जल्दी से जल्दी। ओके सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करो गाइस, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो और भाई दोस्तों को शेयर करना वीडियोस कम। ओके गाइस सो थैंक यू।